नहीं है तो फिर प्रेत का होना भी आप मानते नहीं है, और आप दुखी हैं, आपके घरों में प्रेत घिरे घिरे हुए हैं। जो मान गया वो अपने आप को ठीक कर लेगा, लेकिन जब तक ठीक होने की बारी आती है तब तक आपके 10-20 लाख रुपए लग चुके होते हैं। आदमी अपनी जिंदगी का भरपूर पैसा, जिसमें वो अपना मकान बना सकता था, अपने बच्चों को पाल सकता था और बहुत सारी चीजें, वो सब खो बैठता है। कहाँ पे? चिकित्सा में। कहाँ पे? चिकित्सा। लास्ट में डॉक्टर कह देता है कि आपको डिप्रेशन है। क्या कह देता है? सारा पैसा दे दिया और डिप्रेशन। भाई पैसा दे के डिप्रेशन आ गया डॉक्टर साहब। सोच तू भी रहा है, सोच हम भी रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना सोचता हो, जिसका मन कुछ ना कुछ कल्पना जल्पना ना करता हो। कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसका मन 24 घंटे ना सोचता रहता हो, एक मिनट खाली नहीं रहता है मन। इतनी बड़ी मशीन है मन, हमेशा सोचता रहता है। तो क्या सब पागल हो गए? लेकिन डॉक्टरों ने उसको डिप्रेशन कह देना है जो बार बार उसे दर्द की शिकायत करता है। पहले तो हर तरह की गोली दे दे के, अपना पूरा ट्रीटमेंट करके, अपनी खोजे करके पहले वो दिखा देता है। या भारत का एक भी डॉक्टर, एक भी चिकित्सा विज्ञान का शास्त्री नहीं आएगा मेरे को गलत साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि माप के मनु भैया गलत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे हाथ हिला के कहते हैं कि आप प्रेत का ना होना सिद्ध करें, मैं प्रेत का होना सिद्ध करूंगा। बुलाए मुझे। और एक बात, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी मुझे कहेंगे तो उनको भी मैं प्रेत दिखा सकता हूँ, अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहेगा तो भी कर सकता हूँ, ब्रह्मांड को सिद्ध करके दिखा सकता हूँ प्रेत है। ये प्रेत का होना सिद्ध है कि हमने इसको ठीक कर दिया। ठीक है, ये प्रेत का होना सिद्ध है, इसको कोई बीमारी का होना सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि एलोपैथ से इसने आज तक जितने भी इलाज कराए सब फेक थे, सब झूठे थे, और सब केवल आपको पता नहीं है। अभी कल हम किसी शादी में गए, एक व्यक्ति हमें मिला, उसने वहाँ पे टेंट की सेवा उसको थी, वहाँ पे कैटरिंग उसकी थी। उस व्यक्ति ने हमें एक जगह बैठा के अपने दो बंदे हमारे ऊपर छोड़ दिए कि गुरुजी को खाना पानी चाय वाय जो भी मांगे वो दो यहाँ पे। हम वहाँ बैठे रहे थोड़ी देर के लिए, दोनों, मैं और आपकी भाभी। अब क्या होता है, अब उससे कोई पूछता है, क्या कहते हैं कि भाई आप गुरुजी की इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? बोला भाई मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर था, वो इन्होंने ही ठीक किया था। क्या ठीक किया था? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर बिना दवाई दिए कैसे ठीक होगा? उसको तो घोषित कर दिया था ना, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसकी भतीजी आई, वो भतीजी ठीक हो गई। वो उसकी भतीजी उसी गांव में है जिस गांव में मेरी शादी हुई है, जिस गांव की आपकी भाभी है, वो भी 3 दिन में ठीक हो गई। आया समझ में? 3 बार में बिल्कुल ठीक। तो आदमी जब अच्छा करता है, अच्छा करने लगता है, तब हमने तो अपने आप को हर सीमा पे, हर मसौदे पे, हर शर्त पे हमने आपको अपने आपको ऐसा तैयार कर दिया कि कोई कैसी भी परीक्षा ले हम प्रेत का होना सिद्ध कर देंगे और निकाल के ठीक करके भी उसको दिखा देंगे। अब ये भारत की उपमा है कि यहाँ का हिंदू कदापि जाग नहीं सकता, उसको जो पढ़ा दिया जाता है वो रट्टू तोता है। उसने एक बात पढ़ ली कि ये भूत प्रेत होते नहीं है, जबकि वह खुद भूत है। आया ना समझ में? फिर कह रहा है मूर्ख की भूत नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। देखो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, एक प्राणी जिसने मानव जन्म लिया है, जिस योनि को भगवान भी भूत योनि कहते हैं, वो खुद कह रहा है कि मैं भूत नहीं हूं और कहता है भूत प्रेत होते नहीं है। अरे नहीं होते तो इतने मानव संसार में होते नहीं, ये करोड़ों अरबों की जो संख्या देखने में आ रही है ये भूत योनि है। और प्रेत योनि वो है जो मर के प्रेत बनता है, ठीक है, मरे हुए शरीर को भी प्रेत कहते हैं, ठीक है। और इनकी सारी योनिया हमारे महर्षियों ने हमें बताई है बकायदा। बोलो जय शनिदेव। चलो बोले शनिदेव महाराज की। और भाई हम हर बार कहते हैं, पहली बार आने वाले व्यक्ति